हेलो गाइस, मैं दीपक आपका फिर स्वागत करता हूं आपके चैनल टिप्स टेक्नो चैनल पर। और आज मैं आपको बताने वाला हूं, ये एक सैमसंग का सेट है अपने पास, सैमसंग B313ED। इसमें क्या नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, इसमें सिम बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं हो रही थी कोई सी भी। तो हमने इसमें क्या सोल्यूशन किया, अब वैसे तो आप देख सकते हो, अगर आपको वॉइस थोड़ी क्लियर ना आए तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं डायरेक्ट मोबाइल से बना रहा हूँ। ये कंपोनेंट्स आप देख रहे हो, ये वाले ये सभी क्या नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं, और ये दो कंपोनेंट्स देख रहे हो, ये भी नेटवर्क से रिलेटेड होते हैं। इनको आपको चेक करना है, इनमें दोनों साइड आपको बीप मिलेगी, और यहाँ पर देख लेना बीप रेंज इनमें दोनों में आनी चाहिए ये चीज़। तो इसमें कोई कंपोनेंट भी मिसिंग नहीं था, और ये भी ओके था, एकदम परफेक्ट थे। और ये सिम कनेक्टर था, ये भी मैंने रीसोल्ड करके देख लिया दोनों, जब भी अपने मतलब सिम कनेक्ट नहीं हो रही थी। तो फिर डायरेक्टली मैंने उसमें करा क्या, अपनी जो आप ये ट्रे देख रहे हो, इस ट्रे को क्या है, हमें ओपन करना पड़ेगा इस तरीके से। इसको ओपन करने के बाद मैंने क्या किया इसमें, वो मैं आपको बताता हूँ। और दूसरी बात ये कि अगर आपका सॉल्यूशन नहीं होता इस हैंडसेट में, तो इसको इस वीडियो पे आप मुझ पर गलत कमेंट मत करना, क्योंकि मैंने जो सॉल्यूशन बताया वो देखना, और बाकी कोई कंपोनेंट अगर मिसिंग है तो वो कंपोनेंट आपको लगाने पड़ेंगे। क्योंकि इसमें आप देख सकते हो कि कॉइल्स लग रही हैं, इस जगह भी कॉइल्स लग रही हैं, आप ये देखना और बीप बीप चेक करना पहले कंप्लीट। अब इसके बाद में मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको, ये इसकी क्या है अपना, ये नेटवर्क आईसी है RF IC, और ये क्रिस्टल और ये बैंड पास फिल्टर है। तो मैंने सिंपली क्या किया, इन पे इनको रीबॉल किया दोबारा, इनको मतलब लगा के 350 पे ईयर को उसको ढंग से मतलब रीबॉल करने के बाद में इसमें नेटवर्क आ गए थे। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ये नहीं है कि मैं आपको गलत बता रहा हूँ कि पहले मतलब आपको नेटवर्क नहीं आए मोड पर दिखाता, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं इसलिए आपको ये सॉल्यूशंस जल्दी से जल्दी बता देता हूँ कि जिससे आपका समय बिल्कुल भी ख़राब ना हो, और आप मतलब अच्छी तरीके से समझ पाएँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और शेयर ज़रूर करना दोस्तों, और कमेंट किया करो। और दूसरी बात दोस्तों कि आप एक काम करना कि मेरे चैनल पर विजिट करके सारे कंप्लीट वीडियो देखना, जो भी मोबाइल रिपेयरिंग से मतलब हार्डवेयर से या सॉफ्टवेयर से आप मतलब सीखना चाहते हो, तो मैं बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो बनाता हूँ और आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। तो मैं इसको जल्दी से आपको ऑन करके दिखा देता हूँ कि इसके नेटवर्क आ रहे हैं कि नहीं, इसीलिए मैं छोटी छोटी वीडियो बनाता हूँ, और वीडियो को कंप्लीट ही वॉच किया करो। अब थोड़ा सा आप हल्का सा वेट करो, उसके लिए मैं आपको समय लेना चाहता हूँ। अभी अपना हैंडसेट चालू हो रहा है, और पहले इसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं आ रहे थे, अब आप देखोगे तो इसमें नेटवर्क आ जाएंगे, क्योंकि मैंने बस इतना सा ही काम इसमें किया था, बाकी इसमें कोई कंपोनेंट मिसिंग नहीं था। अब ये देख सकते हो आप, आइडिया वोडाफोन के नाम से एक नेटवर्क आ चुका है। मैं आपको कॉल करके दिखा देता हूँ किसी भी उस पर, कॉलिंग कर लेते हैं। और वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो शायद इसमें बैलेंस वैलेंस नहीं है, या हो सकता है कि इनकमिंग से कोई प्रॉब्लम है, तो दूसरी तरफ से कोई कॉल मिलाते हैं किसी अदर नंबर पर, तो ये कह देगा कि अपनी जो भी प्रॉब्लम। तो देखा आपने कि इसकी जो आउटगोइंग कॉल थी वो क्या है कि अस्थायी तौर से बंद कर दी गई है, तो इसमें 49 रुपये का रिचार्ज होगा, और आप इसमें देख सकते हो कि कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों।